हाय, मैं हूँ रश्मि प्रतीक दुबे और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आइए आज बनाते हैं बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और लजीज रेसिपी करेले की कलौंजी। करेले को कलौंजी बनाने के लिए हमने सबसे पहले चाहिए एक पैन। मैंने गैस को ऑन किया है। पैन को हम जाने देंगे थोड़ा सा गर्म। पैन गर्म होने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे ये 1 चम्मच जीरा। उसके बाद ये तकरीबन 1 छोटी चम्मच से है ये मेथी, ये सौंफ और ये है खड़ा धनिया। इसको सबसे पहले हमने कर लेना है ड्राई रोस्ट, जब तक इसकी स्मेल चेंज ना हो जाए तब तक। ध्यान रहे आपको इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर हम भूनेंगे इसको तो ये पूरा ब्लैक हो जाएगा। इसलिए सिर्फ टेस्ट, जब तक आपको स्मेल ऐसा इसका नहीं लगे, चेंज हो जाए, तब तक आप इसको भून दीजिए तकरीबन 2 मिनट के लिए। अभी आप देख सकते हो कि ये पूरा कलर इसका चेंज हो गया और थोड़ी सी स्मेल भी आ रही है। अभी मैं इसको बंद कर दूंगी। अभी हम इसको निकाल लेंगे एक अलग से प्लेट में। इसको मैंने निकाल लिया एक प्लेट में। अब इसको हम ठंडा हो जाने देते हैं, उसके बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे। अभी आप देख सकते हैं मैंने इस मसाले का बहुत ही अच्छा एक फाइन पाउडर तैयार कर लिया है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी 1 चम्मच आमचूर का पाउडर। आप इसकी जगह पे नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यूज़ नहीं किया है। इसकी जगह पे आप अदरक लहसुन ये सब का पेस्ट भी डाल सकते हैं, मैंने यूज़ नहीं किया है इसके अंदर। अब मैं डालूंगी इसके अंदर नमक, तकरीबन स्वाद के अनुसार से थोड़ा सा ज़्यादा हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। अब हम नमक को इसके अंदर बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं ये करेला लूंगी। करेले को मैंने तकरीबन छील लिया है, अच्छे से धो लिया है। उसके बाद मैंने इसको बीच से काट लिया है और जितने भी अंदर बी है उसको मैंने निकाल दिया है। अगर छोटे बी हो तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, अगर बड़े बी हैं तो वो हमको निकालना ही पड़ेगा। फिर हमने इसके अंदर ये फिलिंग करना है और अच्छे से दबा दबा के फिलिंग करना है, क्योंकि ये मसाले सारे इसके अंदर फिल होंगे। एक्स्ट्रा हमने मसाला कुछ यूज़ नहीं करना है, इसलिए ये मसाले को हमने अच्छे से फिलिंग करना है। फिर हम गैस को ऑन कर देंगे तेल गर्म होने के लिए। मैंने ये करेले की कलौंजी सरसों के तेल में बनाई हुई है। आप चाहें तो नॉर्मल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने सरसों का तेल इसलिए लिया है क्योंकि इससे स्मेल और इससे टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है करेले की कलौंजी में, इसलिए मैंने इसके लिए सरसों का तेल यूज़ किया। अब इसके अंदर हम ऐसे ही सारे भर लेंगे। अभी हम ऐसे सारे करेले के कलौंजी को मैंने फिलिंग कर लिया है। अब तेल गर्म हो चुका है, इसको मैं तेल में डालूंगी एक एक करके। सारे आप ऐसे एक एक करके करेले की कलौंजी आप डाल दीजिए अंदर। ये डालने के बाद, इसके बाद ये जो मसाले हैं मैं थोड़ा सा इसके अंदर डालूंगी और थोड़ा सा मैं बचा के रखूंगी। जब ये आधा से ज़्यादा पक जाएगा फिर इसके अंदर मैं डालूंगी। तो अभी मैं तकरीबन थोड़े से मसाले इसके ऊपर से डाल दूंगी थोड़ा सा, उसके बाद ये मसाला मैं रख दूंगी बाद में डालने के लिए। अब हम गैस को स्लो कर देंगे और तकरीबन इसको 5 से 7 मिनट के लिए हम ढक के पकाएंगे। अब 5 से 7 मिनट के बाद आप देख सकते हैं मैंने ढक्कन खोला। उसके बाद मैं जो बचे हुए जो मसाले थे मैं उसके अंदर वो भी ऐड कर दूंगी, क्योंकि ये आधा से ज़्यादा पक चुका है करेला। आप देख सकते हैं इसके अंदर तेल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैंने तेल बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। क्योंकि करेले के अंदर हमने ना पानी यूज़ करना है ना कुछ भी, इसलिए तेल के अंदर ही ये पकता है। इसलिए तेल आपको थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा करेले की कलौंजी बनाने के लिए। और कलौंजी के लिए आप जितना हो सके छोटा करेला यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर है। अब हमने इसको चलाते रहना है धीरे धीरे। अब हम देख लेंगे ये पका है कि नहीं। अभी थोड़ा सा ये बाकी है, इसलिए हमने इसको 5 से 7 मिनट और पकने देना है। अभी मैं इसको फिर से ढक दूंगी 5 से 7 मिनट के बाद देखते हैं। 5 से 7 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि अच्छे से पक चुकी है। हम चेक कर लेंगे इसको कि अच्छे से पकी है या नहीं। आप देख सकते हैं अभी मैं इसको चेक कर रही हूँ, ये बहुत अच्छे से पक चुकी है। जैसे ये टूटने लगे बीच से फिर आप समझ जाइए कि ये कलौंजी पक चुकी है। अभी मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी। अब इसको चले आते हैं सर्व करने के प्रोसेस में। अभी आप देख सकते हैं इसको मैंने एक सर्विंग प्लेट में सर्व कर लिया है। जो यूपी से और एमपी से लोग हैं उनको पता है कि करेले की कलौंजी क्या है, तो प्लीज़ बाकी के लोग भी इसको ट्राई कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार, बाय बाय।